तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन रीड कर लेंगे। चलो क्या परचेज अ बिजनेस परचेज नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग 12,000 एस्टिमेटेड लाइफ 4 ईयर एंड द रेसिडुअल वैल्यू $1,000। $1,000 है। यूज स्ट्रेट लाइन मेथड बिजनेस डिसाइडेड आफ्टर 2 ईयर्स दैट द यूजफुल लाइफ हैव बीन अंडर एस्टिमेटेड एंड द एस And it still has 5 more years in use to come, making its total life 7 years. Calculate depreciation for first 3 years. ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं इसमें, लेकिन लाइफ हमने एस्टिमेट की थी 4 ईयर्स, लेकिन 2 ईयर्स यूज करने के बाद पता चला कि लाइफ हमने अंडर एस्टिमेट की थी और अब भी ये 5 साल और यूज हो सकता है, तो टोटल लाइफ 7 साल हो जाएगी। अब हमें फर्स्ट 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अच्छा पता कब चला है, 2 साल के बाद। जब ईयर वन और ईयर टू का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो तो हम 4 ईयर के बेस पर ही करेंगे, तो 4 ईयर के बाद थर्ड ईयर से चेंज आएगा। सही, थर्ड ईयर से वो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं। तो ईयर वन स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितनी है, 12,000। स्क्रैप वैल्यू 1,000। लाइफ 4 ईयर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं और माइनस करके डिवाइड कर देंगे। ये आंसर आ गया आपके पास 2,750। ठीक है, ये तो क्या ईयर वन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कॉपी कर लें, हाँ क्या ये कॉपी करें, साथ साथ कॉपी करते हैं। फोर एस्टिमेटेड 4 ईयर, 4 पे ही। ठीक है, पता कब चला हमें, 2 ईयर्स यूज करने के बाद, तीसरे ईयर में चेंज हो जाएगा। हाँ कॉपी हो गया। अच्छा दूसरे हाँ सेम रहेगा, एग्जाम थर्ड ईयर में चेंज हो गया। हैंड आउट का है, हैंड आउट का है, हैंड आउट का है। अच्छा ईयर टू सेम रहेगा एज ईयर वन। ठीक है, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यूज, सेम आंसर। ये भी कॉपी कर लें, ईयर टू। तो भूल गए थे इनको। बस इतने ही है, टोटल इतने ही है। कौन नाटू अच्छा कॉपी हो गया, सेम नाटू रहेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में सेम रहता है। अच्छा अब देखें ईयर थ्री।
अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 ईयर्स यूज करने के बाद हमें पता चला कि अब मशीन की लाइफ हमने अंडर एस्टिमेट की थी और ये अभी भी 5 साल और यूज चल सकती है। अच्छा, अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब आप बताएं आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर में कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, चार अभी हमारा डेप्रिसिएशन क्या रिवाइज हो जाएगा ना, 4 की जगह और चेंज फिर वैल्यू चेंज होगी। अच्छा जी, क्या चेंज होगी, होगा देखते हैं। एक मिनट एक मिनट, पहले इसको लिख लेते हैं, मैं लिख कर आपको बस समझाता आपने हूँ। देख लिया बता दो कि 500 माइनस क्यों माइनस होंगे? अच्छा अब ये बताएं, हाँ होंगे, अब होंगे। क्यों होंगे, रीजन बता दें। चलिए, वो तो आपने देख लिया लिखा हुआ, सर पहले और दूसरे साल वाले को 10 करेंगे 5,000। क्यों करेंगे, मैंने बता दिया तुम लीजिए तो बता दो सर क्यों दूसरे को करेंगे, बोलेंगे सर ऐसे क्यों ही ऐसे पर दिल चाह रहा बता। है। हाँ बस पता चल ठीक गया तो यही ऑप्शन है इसीलिए लग रहा है, भी रहेगा बस एक चीज पे तो आपको देखिए बता अभी देंगे अगर हम लोग ये करते अभी हैं, 12,000 माइनस 1,000 स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, तो आंसर क्या रहे, क्या ज्यादा आएगा? ज्यादा 1,571। ठीक है, ये आंसर सही होगा नहीं? अच्छा सही क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ ठीक है, देखें पहले तो ये बताएं कि जो हमारा एसेट है, इसका अगर हम होल लाइफ का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, होल लाइफ पूरे 7 साल का, तो बारह नहीं हजार ही आएगा था, इतना रुपया हमने क्या किया था, वन में देखें टोटल कितने का है, 12,000 है ना टोटल। अच्छा, ईयर वन में कितना चार्ज किया हमने, ईयर 2750 है, ठीक है। अच्छा 2750, 2750, ईयर टू का भी सेम था 2750। अच्छा अब हमने यहाँ कैलकुलेट कितना किया, अभी 1571 है ना, ये कितने साल चार्ज होगा, 5 साल होना चाहिए ना, 2 साल गुजर गए, 5 साल बाकी हैं, तो 1571 5 साल। अच्छा 1521 इंटू 5 करते हैं, तो पहले 2 साल का इंटू 5 करें, पिछले 2 सालों का कितना था, 2751 है ना, 2750 कितना बन रहा है, 13,000 बना है 7 साल का, और कॉस्ट कितनी है, 12,000 है। ठीक, तो एक्यूमुलेटेड तो कॉस्ट से भी ज्यादा हो गया, गलत हो गया। अच्छा एक्यूमुलेटेड होना कितना चाहिए, नहीं 12,000 नहीं, 11 होना चाहिए, 12,000 कॉस्ट है, 1,000 स्क्रैप है, तो 11,000 बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन इस तरह तो आंसर आपका 13,000 बन रहा है, गलत हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है, अगर हम इस तरह करें 12,000 माइनस 1,000 और रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 5 5 ईयर, 5 से डिवाइड करें कितना बन रहा है, ज्यादा कितना आ रहा है, इससे भी नहीं आएगा, कितना आ रहा है, 11,800। हाँ 11,800 कहाँ गया, 11,80 होगा, ठीक है। अच्छा 11,80 कितने साल चार्ज होगा, 2,200 आ रहा है। 2,200 कितने साल तक चार्ज करेंगे, 5। अच्छा जी 2,200 को मल्टीप्लाई करें 5 से, कितना बना, 11,000। और पिछले 2 साल का 2750, 2750 कितना बन गया, ये 16,500, ये तो कॉस्ट से कहीं ज्यादा होगी ना, 12,000 तो 11,000 होने चाहिए ना, 16,500, तो ये भी गलत हो गया, तो गलत हो गया आंसर, कॉस्ट से भी ज्यादा बन रहा है, एक्यूमुलेटेड गलत हो गया। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखें एसेट की कॉस्ट कितनी थी हमारी, कॉस्ट थी 12,000, ठीक है। अब 2 साल हमने एसेट को यूज किया, ईयर वन में कितना था, 2750, और ईयर टू में भी 2,750, पहले तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, कितना बच रहा है,
6,500 बच रही है, तब हमें 12,000 को डेप्रिशिएट करना चाहिए या 6,500 को? अब 6,500 को डेप्रिशिएट करना चाहिए ना। अच्छा अब हम लिखते हैं जरा, 6,500 स्क्रैप वैल्यू वही रहेगी 1,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 5 लेंगे ना, 5 साल बचे, ये कितना बन रहा है? 1100 1,100। अच्छा अब 1,100 कितने साल तक चार्ज होगा? 5 साल, इंटू 5 करेंगे तो साढ़े 5500, ये तो हो गया 1,500। ठीक है, पिछले 2 साल का था 2750, 2750 दोनों को ऐड करें तो एग्जैक्ट 11000 11,000 बन गया, ये हो गया आंसर आएगा ना। राइट, तो हमने क्या करना है इसमें, इसकी अब हम कॉस्ट के बजाय अब क्या लेंगे, नेट बुक वैल्यू। देखिए ये थी कॉस्ट, ये 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन 55 माइनस किया था, नेट बुक वैल्यू आ गई, तब हम कॉस्ट के बजाय नेट बुक वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में कॉस्ट के बजाय क्या लिखेंगे आप, नेट बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन रिमेनिंग लाइफ। अब एस्टिमेटेड लाइफ की जगह रिमेनिंग लाइफ सर। दिखाता हूँ। ठीक है, ये करना है ना आपने, कॉस्ट है 12,000, एक्यूमुलेटेड 2 साल का 5,500। नहीं हाँ होगा, नहीं होगा, ये टू तो वही था ना, 1 और 2 सेम। हाँ पहले तो 4 ही लेंगे ना, तो 4 2 ईयर्स के बाद हमें पता चला कि हमने लाइफ गलत एस्टिमेट की थी, तो अब 3rd ईयर से चेंज होगा। ठीक, अब कॉस्ट हमारी थी 12,000, 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड 5,500, तब बुक वैल्यू रह गई 6,500, तब हम 6,500 को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक, तब 12,000 डेप्रिशिएट नहीं होंगे, बुक वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब फॉर्मूला में क्या आएगा, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसका, अब लिखेंगे हम कॉस्ट की जगह नेट बुक वैल्यू, अच्छा स्क्रैप वैल्यू अपनी जगह सेम रहेगी, और एस्टिमेटेड लाइफ की जगह रिमेनिंग लाइफ। तो अब नेट बुक वैल्यू आ गई 6,500, स्क्रैप वैल्यू वही रहेगी 1,000, और रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर। तो ये आपके पास 3rd ईयर का रिवाइज डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,100, ये नोट कर लें। जी कॉपी कर लें, तो सही आप देखें 3rd ईयर से ऑनवर्ड्स 1,100 पर ईयर चार्ज करेंगे। तो ठीक है, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th 7 ईयर तक। अच्छा क्वेश्चन में आपको वो स्क्रैप वैल्यू भी चेंज करके दे सकता है, 1,000 की जगह हो सकता है वो क्या 500 स्क्रैप वैल्यू है। ठीक, तो फिर आप स्क्रैप वैल्यू भी चेंज कर देंगे, 500 लेंगे, 0 भी हो सकती है। ये हो गया एक पॉइंट हमारा, कि अगर लाइफ आपकी चेंज होती है तो क्या करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 11, 11 रीड कर लें। अब 11 में है कि मेथड चेंज हो रहा है, मेथड चेंज होगा तो क्या करें, तो रीड कर लें। नहीं तो हाँ हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग क्या है, यूट्यूब कौन सा फीचर है? अच्छा जी, पे एक मिनट, क्या था, आ कौन रही है। पता नहीं है, यार, सिंगर ठीक है जो तो लास्ट टाइम मैंने वो शेयर की थी, आपने चेक की थी देखेंगे। वीडियो, नहीं देखी तो ग्रुप में शेयर किया ना लास्ट क्लास में, नहीं देखी क्लास में, नहीं हम लोग, नहीं जो भी ये क्लास हमारी चल रही है पूरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर ये आपके फेसबुक पे अपलोड करके आपके ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब पे, आप फेसबुक कह रहे हैं यूट्यूब पे, वो करेगा बाद में देखेंगे, फिलहाल तो नहीं आ सकता। ठीक है,
आपको हर क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड मिलता रहेगा, घर जाके आप रिवाइज कर सकते हैं, और कभी एब्सेंट हो जाए तो देख लें। टीएसए ने तो वो म्यूटेड है ज्यादा तो यह अच्छा तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बस मेन क्या है, पहले तो स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, यूटिलाइज ठीक है। तो पहले 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूसिंग से, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि कभी आप एब्सेंट भी हो जाए तो लेक्चर देख के। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब कॉस्ट कितनी है, 1 लाख 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो जीरो, और परसेंटेज 40 है। तो यह तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 40,000 का, ठीक है। तो कॉपी करें। तो पहले आप लोग जब ऑनलाइन क्लासेस हुई आप लोगों की कोविड में, कोविड में थे आप लोग, नहीं थे स्कूल की होती थी। अच्छा हम एडमिशन नहीं लिया था उसका, कहाँ तो अभी आए ना, क्योंकि तो पहले भी यही था जब कोविड में ऑनलाइन क्लासेस थे तो उसके रिकॉर्डिंग भी देते थे स्टूडेंट्स को। कंपलसरी वो सब कंपलसरी था। पेपर तो हो रहे थे होगा पहले तो, उन्होंने शुरू में तो ऑनलाइन लिए थे पेपर, घर बैठ के आप पेपर दे रहे थे अपने, घर नहीं होता। नहीं नहीं ऑनलाइन है। सुन आते थे सुन सुन क्या मैं बोलूँ, इसमें ये था, वगैरह उनके कुछ आप तो जरा पॉज कर देना इधर। चलिए कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया। नहीं अच्छा ईयर 1 हो गया, और अब ईयर 2। क्या अब इसमें क्या होगा, वही कॉस्ट 1 लाख है, माइनस करेंगे 40,000, होगा हाँ रिड्यूसिंग है ना। ईयर 2 भी रिड्यूसिंग से होगा, चेंज आएगा थर्ड ईयर से आ रहा है ना, तो चेंज ईयर में, थर्ड ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। बच्चों और ये निकालो कॉपी उसको कॉपी। अच्छा अब ईयर 2 हो गया, ईयर 3 में क्या हुआ, हाँ अब ईयर 3 में मेथड चेंज हो गया, सही। अच्छा अब क्या फॉर्मूला होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ अब हम कॉस्ट की जगह नेटबुक वैल्यू ही लेंगे, ठीक है, और एस्टिमेटेड लाइफ की जगह रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी अब। हाँ ठीक है, तो लाइफ एस्टिमेटेड थी 5 ईयर, 2 ईयर्स गुजर गया, तो अब लाइफ आ जाएगी 3 ईयर। अब ये फॉर्मूला बनेगा नेटबुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन रिमेनिंग लाइफ।
अब बुक वैल्यू बताएं कितनी आ रही है इसकी। चौसठ हाँ 1 लाख में से 2 ईयर्स का माइनस हो जाएगा तो हजार 36,000। स्क्रैप वैल्यू 0 है, रिमेनिंग लाइफ 3। तब ये थर्ड ईयर का रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन 12,000 आ जाएगा, सिर्फ 24,000। 6×4=24 होता है ना, 5 ईयर है, 2 साल की हमने निकाल ली इसके इसलिए यहाँ 3 से डिवाइड किया। हाँ 3 साल लिए, बचे ना लाइफ। चौथा हाँ अब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में यही 12,000 चार्ज। थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में। हाँ पांच स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में जी। ये होती नेक्स्ट कभी हाँ मतलब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में यही रहेगा, ठीक है, रिवाइज हो गया। दो साल का एक्यूमुलेटेड। हाँ पूरी लाइफ का कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू, तो जो होल लाइफ का डेप्रिसिएशन बनेगा वो उसके इक्वल ना, उससे कम ना उससे ज्यादा। ये भी आगे पॉइंट आएगा, अभी समझाऊंगा, ये पॉइंट भी आएगा। ये कॉपी कर लिया। अच्छा अच्छा ये हो गया क्वेश्चन 11। अच्छा इनमें बस एक एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आप सही, मेथड चेंज होगा तो क्या करेंगे, लाइफ चेंज हो रही है तो क्या करें। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा इसमें कैलकुलेट सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन करना है, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कर लें 12। रेट दिया हुआ 20% पर ईयर ऑन कॉस्ट विद प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन है। प्रोपोर्शनल मींस मंथली बेसिस पे चार्ज करेंगे ना, फॉर आइटम परचेज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्लान। ठीक, अब ये क्या अकाउंट दे दिया उसने हमें, इसमें देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस है अक्टूबर 1 पे 2 लाख का, फिर अप्रैल 1 को 50,000 का न्यू एसेट खरीदा हमने, 30 जून को 40,000 का एसेट डिस्पोज हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,10,000। हाँ अक्टूबर 2 है तो ये सितंबर 3 तक साल होगा ना पूरा, अक्टूबर से सितंबर। अच्छा क्या व्हाट शुड बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 2003। अब हमें अक्टूबर 2 से सितंबर 3 तक का वो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आपके ख्याल में क्या कैलकुलेशन होगी, क्या होनी चाहिए? तो पॉलिसी क्या है, प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन ना, यानी कि मंथली जितने मंथ्स यूज करेंगे उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पहले साल में हो अच्छा 1 मिनट, तो मैंने यहाँ लिखा भी है गए सॉल्यूशन। ठीक है इसका सॉल्यूशन आपको करवाता हूँ। अब क्या कटिंग करवाता हूँ, चलो एक्सेल पे होगा ये। अब इसमें मैंने वो स्लाइड नहीं है पावर पॉइंट, इसकी एक्सेल पे करता। 9 महीने लेना पूरे साल के, आप कैसे बता पाने के, कौन सी वैल्यू, क्या कौन सी वैल्यू, अक्टूबर से नहीं इतना नहीं होगा। अब इससे हम पहले चलेंगे मंथ वाइज, अक्टूबर देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा, अक्टूबर 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 1। यहाँ लिखेंगे आप अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 पे एसेट्स कितने हैं, 2 लाख।
2 लाख पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। अच्छा, 2 लाख के एसेट कब तीन तक थे? 1 अप्रैल तक, महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ हमने 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी यूज की, तो डेप्रिसिएशन भी 2 लाख पे निकलेगा 6 महीने का। यहाँ पे डेट लिखते हैं हम अक्टूबर से लेकर अप्रैल अप्रैल, यानी कि मार्च लिखेंगे ना हम, तो मार्च 31। तो अक्टूबर से लेकर मार्च 31 तक हमने 2 लाख की मशीनरी यूज की, तो कितने मंथ्स हुए? ठीक सिक्स है, सर रेट क्या था? 20% है ना। ट्वेल्व अच्छा, 20% निकालेंगे, ये तो होल ईयर का आ जाएगा। अब हमें चाहिए 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, कितना बन रहा है? ट्वेंटी 20,000 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया 20,000 फर्स्ट 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब क्या हुआ? दो, दो पार्ट हाँ। अच्छा, अब क्या हुआ? 1 अप्रैल को एक न्यू एसेट हमने परचेज किया, अब लिखेंगे अप्रैल 1। अच्छा, अब हमारे एसेट्स कितने हो गए? 2.5 लाख के हो गए। ठीक है, अच्छा कब तक नेक्स्ट अक्टूबर चेंज? नहीं, नेक्स्ट चेंज आ रहा है जून 30 पे। जब जून 30 पे एक एसेट हमने डिस्पोज किया है, इट मीन्स अप्रैल से लेकर जून 30 तक, जून 30 3 मंथ्स हमने कितने 2,50,000 के एसेट्स यूज किए ना। अब इस पर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो 20 × 3/12, हाँ 20%। ठीक है, या जरा कैलकुलेट करें, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? बारह 12,500। हजार ठीक है, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, सही। अच्छा, अब क्या हुआ? जून 30 पे क्या हुआ, एक एसेट हमने डिस्पोज कर दिया ना 40,000 का, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1 पे एसेट्स कितने रह जाएंगे हमारे पास? 2,10,000 के। अब और ये कब तक चलेगा? अभी ईयर एंड तक यही रहेंगे ना, यानी कि ईयर एंड कब होगा? सितंबर 30। Yes. तो ये कितने मंथ्स हुए? 3, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो पहले 20% और फिर इसका 3/12, 10,500। तो ये हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया, पहले 6, फिर ये 3/9 और ये 3/12। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 43। 43,000 आ जाएगा होल ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये इस तरह करना, तो कॉपी करना है भाई, इस तरह हो गया जी। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, एक ऐसे हमने ड्यूरिंग द ईयर एक ऐसे खरीदा भी, एक ऐसे डिस्पोज भी किया ना, तो प्रोपोर्शनेटली चलेंगे। ठीक कॉपी करें। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन, यहां मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था डेट वाइज चल रहे थे, अब इसे हम एसेट वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। एसेट वाइज न्यू एसेट और ओल्ड एसेट, पहले ओल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अच्छा ओल्ड हमारे पास कितने? 2 लाख है ना। ठीक है, 2 लाख का हम लेते हैं 20%। और अच्छा देखिए, हमने इसको इग्नोर करके चलेंगे आप न्यू वाले को ना, न्यू एसेट कितने का था? 50,000 का। इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करें फिलहाल। ओल्ड एसेट है 2 लाख के, और फिर जून में हमने डिस्पोज किया है ना, उसको था अक्टूबर से लेके जून तक 2 लाख के मशीन हमने एसेट यूज किया, तो ये बने 9 मंथ्स, 9/12। आंसर बताएं, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, ये तो आ गया। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या हुआ? हमने इस 2 लाख में से 40,000 के ऐसे डिस्पोज कर दिया, अब ये कितने रह जाएंगे? 160। 160। ठीक, इसका 20%,
और फिर कितने मंथ रह गए? 3। आठ ठीक है, ये कितना बना? हजार 8,000। ये तो हमारे ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी का अब डेप्रिसिएशन आ गया होल ईयर का। अब न्यू का कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अब न्यू हमने कितने का परचेज किया? ऐसे 50,000 का अप्रैल 1st को। तो 50,000 into 20% और अब अप्रैल से अक्टूबर तक कितने मंथ्स बने? अप्रैल से वो सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सब 6 मंथ। ठीक है, तो न्यू एसेट हमने 6 मंथ यूज किया। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कितना? 5,000। ठीक, अब इन तीनों को ऐड कर लें, 43 बन रहा है। सेम आंसर, होगा पुराना ही डिस्पोजल होगा। वैसे करें तो आंसर तब भी सेम नहीं आएगा। नॉर्मली ओल्ड एसेट इज डिस्पोज होता है ना, न्यू नहीं होता। लेकिन अगर आप उसमें से माइनस करते हैं तो भी आंसर सेम आता है, सेम ही है। ठीक है, तो ये पहला हमने कर लिया डेट वाइज, ये ज़्यादा बेहतर है डेट वाइज चलें। ठीक है, ये एसेट वाइज हो गया, ओल्ड एसेट न्यू एसेट। तो बेहतर है कि आप इसको प्रेफर करें डेट वाइज, डेट वाइज कैलकुलेशन करें, ये ज़्यादा बेहतर है। कॉपी कर लिया लिया चार्ज होना। क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें भी एक पॉइंट है जो आपको समझाना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन रीड कर लें। अब इसमें हमने 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लाइफ कितनी है? 5 ईयर है, और 5th ईयर का डेप्रिसिएशन बताना है। दोनों मेथड है आखिरी साल का, स्ट्रेट लाइन से और रिड्यूसिंग से। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में तो सेम ही रहता है, रिड्यूसिंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा हर साल आपको। 1, 2, 3, 4, 5, सही है। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो आपको समझाना है। पहले हम लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस, सही है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। कॉस्ट कितनी है? 17,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 5 ईयर है ना, ठीक है, कितना आ रहा है? 3,000। तो 3,000 पर ईयर आ जाएगा ना, तो हर साल 3,000 चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग में क्या होगा? हर साल का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईयर 1। कैलकुलेट करते हैं, अब इसमें क्या था? कॉस्ट 17,000 एक्यूमुलेटेड, पहले साल 0 होगा, कितना परसेंट है? 35। चलो आंसर बताएं, 5,950। ईयर 1 हो गया, ईयर 2, हाँ अब इसमें 5,950 माइनस हो जाएंगे। अब बताएं कितना आ रहा है? 3,867। चले राउंड ऑफ कर देते हैं हम, 6,3,866। ठीक है, तो फिलहाल राउंड ऑफ करके चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे। ठीक है, बातें नहीं कर रहे हम लोग। अब मैं एक्यूमुलेट करें दोनों को, 9,818 और उसके बाद 35%, कितना बन रहा है? आंसर बताएं, 2,514। ईयर 4,
32 माइनस कर दो, बारह अब इसका एक्यूमुलेटेड बताएं। 332 कौन और 35% पता नहीं यार, खाना नहीं पता। कितना आ रहा है आंसर वन सिक्स बताएं। थ्री फोर खाना 1634। वही ईयर तो 5 है। एक्यूमुलेटेड बताएं कितना बनेगा। नहीं 9 6 6 कर दो। 9 6 1 3 9 6 6 35%। सब 1061 सर ब्रेकेट शुरू कर लें। ठीक, वन अच्छा अब यहाँ पर आप समझ जीरो रहे हैं जो सिक्स समझाना है। अच्छा ये जो आंसर आया ना हमारा 1062 ये रॉन्ग है। पॉइंट ये तो समझाना है अब इसमें। और था ही क्या फॉर्मूले तो हमने शुरू में लगा के कैलकुलेट। नहीं नाइन आया सही सही है आंसर यही आएगा 1062 आएगा लेकिन ये गलत कैलकुलेट करेंगे यही आएगा कॉन्सेप्चुअली गलत है। कैसे आपको समझाता हूँ यही इसमें पॉइंट है समझाने वाला। अच्छा देखिए स्ट्रेट लाइन में कितना था 3000 पर ईयर। ठीक है इसका अगर हम वो निकालते हैं एक्यूमुलेटेड निकालें 5 ईयर का। हाँ तो कितना 3000 × 5 15000 बनेगा। ठीक है 5 ईयर का एक्यूमुलेटेड 15000 तो इस रिड्यूसिंग में भी सेम आना चाहिए ना। चलिए टोटल करें कितना बन रहा है। हाँ अब इसमें क्या है 28 एक्स्ट्रा आ गए। अच्छा ये हमारी मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन की ये फॉर्मूले की ही मिस्टेक को वीकनेस है कि रिड्यूसिंग में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नॉर्मली नहीं आता कुछ कम आएगा या कुछ ज्यादा आएगा लेकिन कॉन्सेप्चुअली नहीं आना चाहिए ना। ठीक है इसके हम करते क्या है फिर जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं तो जब लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन निकालना होता है ना तो इसमें क्या होता है अच्छा बंद कर दो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है अब इसमें क्या करेंगे हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे तो उससे हमारा आंसर एग्जैक्ट 15000 बन जाएगा। ठीक है अब इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि याद रहे लास्ट ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है लास्ट ईयर ऑफ लाइफ अब इसमें क्या होगा फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। अब आप क्या लिखेंगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है और मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं परसेंटेज है ना। अब परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगी। बता दो सब आएगा सब आएगा टेंशन ना ले। इन सबको कॉपी अच्छा करके आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है अब यहाँ वैल्यू स्पोर्ट करते हैं इसमें। बहुत हाँ ये पता नहीं क्या हो गया। बड़ा ओके तो अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला चेंज होगा और ठीक अब वैल्यू स्पोर्ट करते हैं डेप्रिसिएशन बाय। अब कॉस्ट कितनी है वही 17000 एक्यूमुलेटेड इन चारों को ऐड करेंगे ना 4 साल तक कितना बना था 13 कितना आया था 1396। अच्छा अब हमने क्या करना है इसमें से कॉस्ट माइनस करने के वो मल्टीप्लाई करने के बजाय स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे। अब बताएं डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 1034। ठीक है अब इन 400-500 को ऐड करते हैं तो एग्जैक्ट
15,000 आंसर आएगा। तो ये होगा 5th ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जीनियस सर, हम कैसे बात करेगा ये बता, जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा ना, और वो आपसे लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन क्या है कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला आपने चेंज करना है। लास्ट ईयर ऑफ लाइफ, जैसे 5 ईयर लाइफ थी यहाँ पर, तो 5th ईयर है, 10 ईयर लाइफ होगी तो 10th ईयर, 20 ईयर लाइफ होगी तो 20th ईयर में चेंज करेंगे, 5th ईयर लाइफ है तो 50th ईयर में फॉर्मूला चेंज होगा। अच्छा, ये सिर्फ लास्ट ईयर ऑफ लाइफ में चेंज होगा, लास्ट ईयर ऑफ यूज में चेंज नहीं होगा। ये भी याद रखिए, जैसे वो कहता है एसेट की लाइफ 10 ईयर है, 7 ईयर यूज करने के बाद आपने एसेट डिस्पोज कर दिया, तो 7th ईयर का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो इस फॉर्मूले से नहीं होगा, वो नॉर्मली रहेगा। जैसे 10 ईयर लाइफ है, 7 ईयर यूज करने के बाद हमने एसेट डिस्पोज किया, तो 7th ईयर में ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो सेम ही वही रहेगा, मैं लाइफ से लाइफ पहले बेच दिया, हाँ डिस्पोज कर दिया। ठीक है, तो याद रखना है कि लास्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये चेंज होगा, लास्ट ईयर ऑफ यूज में नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था, आप ये नोट करना, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फॉर्मूला चेंज करेंगे। तुम्हारी बदौलत है ये तो आप दोनों का उठा पकड़ के, बस बाकी सबका लगा है। मेरे बोलो बच्चों का आज तो बिजी उठ गया, तो यही बात करो ना बच्चे आप का। दो आप बच्चों तो का सर, पढ़ी सिर्फ ना बहुत पढ़े हो, आप दो बच्चों का, पढ़ाई से उठ गए। तो अच्छा, ये हो गया एक पॉइंट सर इसमें। एक बार एक बार अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, इसमें एक नया पॉइंट है, वो समझाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, 14 नहीं, अब एमसीक्यूज पे आ जाए। जैसा एमसीक्यूज में हमने 15 पे आ जाए, 14 तक कर दिए थे ना, 15 पे आ जाए, एमसीक्यू 15। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, ये क्वेश्चन किट में भी है आपके, हाँ थोड़ा सा लेंदी है, और एग्जाम किट में भी है ये क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें आपको ये प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद बता रहा है, ड्यूरिंग सितंबर 2001 प्लांट विद अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 37,000 वाज सोल्ड फॉर 49। ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइंड क्या करना है, व्हाट नेट अमाउंट शुड अपीयर इन लैम्डास बैलेंस शीट एट 30 सितंबर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेट बुक वैल्यू निकालनी है। नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू। अच्छा, नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये कब की निकालनी है, 30 सितंबर ईयर एंड पे। तो इसके लिए अब हमें कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा। तो दो डी अकाउंट बनेंगे इसमें, एक प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक, दोनों के ओपनिंग दिए हुए, क्लोजिंग फाइंड करते हैं, उनका डिफरेंस निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तब दो टी अकाउंट बनाएंगे इसमें, ये हमारा एमसीक्यू 15 है। ठीक है, 15। और क्या, अब ये बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं पहले, पोस्ट करते हैं। अच्छा, कॉस्ट का ओपनिंग है 8,60,000, अलाउंस का ओपनिंग हो जाएगा 3,97। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। अच्छा,
क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सितंबर 2001, 30 सितंबर, प्लांट विद अ रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू नेटबुक वैल्यू को कहते हैं, नेटबुक वैल्यू एनबीवी या रिटन डाउन वैल्यू। अच्छा, रिटन डाउन वैल्यू 37,000 वाज सोल्ड फॉर 49,000, प्लांट एट ओरिजिनल कॉस्ट 80,000। अच्छा, अब ये एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं ना। अच्छा, डिस्पोजल की एंट्रीज बताएं क्या होती है, या साइड पे लिख लेते हैं। पहली होगी डिस्पोजल डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हाँ, अच्छा अमाउंट क्या लेंगे, इसमें उसके एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं ना, तो एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 80,000। 80,000 से डेबिट और 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। सेकंड एंट्री, हाँ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट हो जाता है, और इसमें हम क्या लेंगे, इसका एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेंगे इसी एसेट का। 397 तो तमाम एसेट का है ना, सिर्फ ये जो 80,000 के कैसेट है, अब इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा ये मालूम करना है ना, वो रिकॉर्ड होगा ना सिर्फ इस पर्टिकुलर एसेट का। हाँ, देखिए, एस कॉस्ट 80,000, नेट बुक वैल्यू दी हुई है 37। नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। अब कॉस्ट में से नेट बुक वैल्यू माइनस कर दें तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। अब 80,000 में से, हाँ, 80,000 से 37,000 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। थर्ड एंट्री डिस्पोजल की, कैश डेबिट होता है, डिस्पोजल क्रेडिट होता है, ठीक है। कितने में सेल हो रहा है, 49। ठीक, और फिर फोर्थ एंट्री हमारी गेन लॉस की होती है ना। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर दो एंट्रीज हमारी यूज होंगी, पहली दो, थर्ड और फोर्थ का जरूरत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं और एक अलाउंस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले एंट्री में क्या है, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 80,000, यहाँ लिख लेते हैं डिस्पोजल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड एंट्री में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहे हैं, डेबिट करते हैं इसको, यहाँ भी डिस्पोजल लिखेंगे और ये डेबिट हो जाएगा कितने से, 43,000 से, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने डिस्पोजल की एंट्रीज बना दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो, जिसके बाद है प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट 180,000, न्यू प्लांट हमने परचेज किया तो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ये आ गया। इसके बाद ठीक है, यहाँ क्वेश्चन खत्म। अब क्या पॉलिसी है, दिस कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ सेल, यूजिंग अ रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब हमने इसे डेप्रिसिएशन निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा बन गया मशीनरी अकाउंट, इसको क्लोज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा ना, तो डेबिट साइड का टोटल करें कितना बन रहा है, क्या ठीक है, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट हो गया, साइड का टोटल होता है ना, ठीक है। अस्सी माइनस कर दो बेटा, अब 80,000 माइनस करें, नौ साठ ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आप इसी तरह ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही क्लोज करेंगे ना इसको। अच्छा, तब हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंस। अब बताएं कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ पर इसने ये दिया हुआ पॉलिसी पूरी दी हुई है, फॉल इन द ईयर ऑफ परचेज, नन इन द ईयर ऑफ सेल, और रेट कितना है 10%। क्या कैलकुलेशन होगी, नहीं आप क्या ख्याल होता और पुराने की नहीं करेंगे, तो नए पुराने नहीं सबकी कैलकुलेट होगी ना डेप्रिसिएशन का। दोनों हाँ, ये तो नए पुराने दोनों पे लगेगा, बस ये कह रहे कि जो परचेज करते हैं उस पर फुल ईयर लगाते हैं, जो डिस्पोज करते हैं उस पर नहीं लगाते हैं। तो देखिए, अच्छा पहले मैं इसको जरा डिटेल में समझाता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट बताता हूँ करना क्या होता है। अच्छा, पहले हम ओल्ड एसेट की बात करते हैं, ओल्ड एसेट कितने थे, 8,60,000 की,
इसमें से 80,000 का एसेट हमने डिस्पोज कर दिया, तो 80,000 में तो चार्ज नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ आप लिखे हैं 1,60,000 माइनस 80, और इसका 10% आ जाएगा 78,000। ये तो हमारे ओल्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन आ गया, ओल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन और कैलकुलेट हो गया। नहीं वो डेट वाइज है ना, मंथ वाइज, जैसे मंथ वाइज नहीं है, फुल ईयर वाला है, तो पॉलिसी चेंज है ना, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नॉन इन द ईयर ऑफ सेल। अच्छा न्यू एसेट कितने का है? 81, इसका 10%, 18,000 आएगा। दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड अच्छा 96, ठीक है। अभी देखिए 96,000 कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? अगर 10% निकाल लें तो भी 96 आ गया। अब पेपर में नहीं होता, हम घुमा फिरा कुछ भी कर लेते, बता रहा ना, कुछ है तो पेपर ही अपना ठीक है। एक्चुअली अब दे रहा है राइट, बहुत। तब देखें डिफरेंस यहाँ समझ लें। यहाँ पर पॉलिसी क्या थी? फुल ईयर वाली ना, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नॉन इन द ईयर ऑफ सेल। उसमें आपने क्या करना है, डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगानी है, मतलब ये अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी फुल ईयर की बात होगी आपने, प्रोपोर्शनल सुन ले, जब भी फुल ईयर की बात होगी तो आपने क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जब प्रोपोर्शनेट होगा तो फिर वही करेंगे जो अभी हमने इसमें किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन 12 में किया था। जहां प्रोपोर्शनेट की बात होगी तो वहां पर इसमें कैलकुलेशन होगी मंथ वाइज, ठीक है। और जब फुल ईयर की बात करेगा तो आपने क्या करना है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करनी है, आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए बताइए मैंने, सही। अब इसको पोस्ट करते हैं। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इसको क्लोज करते हैं, तो ये इसका टोटल आ गया 493। यहाँ लिखते हैं 4,93,000, माइनस करें तो बचा कितना, 4,50,000, ठीक। अब हमें निकालनी थी इसकी नेट बुक वैल्यू, ठीक है, एनबीवी। तो यहाँ लिख दिया था नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। तो कॉस्ट का क्लोजिंग कितना था, 9,60,000, और एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग 4,50,000, कितना बचा, 5,10,000 आ गई आपके पास नेट बुक वैल्यू। ठीक है, 5,10,000 ये आंसर हो गया। हाँ आप बोले, निकलेगी ना, देखिए क्या लिखा था यहाँ पॉलिसी में, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस ईयर खरीदेंगे एक्वायर करेंगे उस साल पूरे साल का है, बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। तो जो हमने देखे यहाँ सेल किया था 80,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया मैंने, माइनस किया यहाँ से 80,000, नीचे वो न्यू हमने एक्वायर किया था ना वो। तो निकाल देखिए क्या लिखा, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो 180 का हमने न्यू एसेट खरीदा था, 180 का, जैसे फुल ईयर का चार्ज किया हमने, 10% निकाल लिया फुल ईयर का, ठीक। अब वो कह रहे कि नन इन द ईयर ऑफ सेल, तो पुराने एसेट हमने कितने का बेचा था, 80,000 का एसेट सेल किया था, तो उस पर मैंने नहीं लगाया ना, माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखिए आंसर वही बनता है ना, देखिए इन दोनों को ऐड किया हमने, वो 10,40,000 माइनस 80 करेंगे तो बचा कितना, 96 ही बचा ना। तो 96 पे अगर डायरेक्ट 10% लगा दें तो बात वही ऊपर वाली बन जाती है ना, बात वही है, ओल्ड वाला आपका प्लस हो गया, इसमें 960 में न्यू ऐड हो गया, ओल्ड वाला प्लस हो गया, तो आपने डायरेक्ट परसेंटेज लगा, सही। चलिए चलिए कॉपी कर लें। अभी एक पॉइंट और आ गया कि प्रोपोर्शनेट में आपने डिटेल कैलकुलेशन करनी है, और फुल ईयर में आपने सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज लगानी है। कॉपी करें, डेप्रिसिएशन की थर्ड क्लास है ना, मैडम
अब तो बोले ना नहीं आप जा रहा मदर है हो, इसमें तुम लोग ज्यादा। नहीं होना चाहिए जितना भी करो, दूर जगह और मैं नहीं अब आपकी क्लास फ्राइडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे हो पढ़ाई गई, एम ए टू हो गई। करता है।